सवाल तो यही है कि आज तो सचिन पायलट की लैंडिंग समझ में नहीं आ रही है। पुनिया जी, आप लोग किस तैयारी के साथ हैं? मतलब दरवाजे खुले हैं कि अभी थोड़ी खिड़की खुली रखी है? देखिए, एक बात जो बहुत पहले से हम कहते रहे थे कि कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है, और ये लोग अभिमान करते थे कि हमारी पार्टी बिल्कुल एकजुट है, हमारी पार्टी संगठित है, तो पहली पार्टी की देश की आलाकमान की कमजोरी से राजस्थान जैसे प्रदेश में जुम्मा 3.5 प्रदेशों में सरकार है और एक बड़ा प्रदेश वहां ये संभाल नहीं पा रहे, और अंततः सचिन पायलट जैसे संभावना वाले लीडर को और पार्टी से बाहर जाना पड़े, तो मुझे लगता है हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये अवसर कांग्रेस खुद ही पैदा कर रही है। पुनिया जी, लेकिन आरोप तो आप पर लग रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया किस्तों में देने की बात हुई, और उनके पास बकायदा इस बात के सबूत है। रूपिका जी, आप राजस्थान की राजनीति से यदि वास्ता रखती हैं, तो 2008 में भी एलिफेंट ट्रेडिंग की और 2018 में भी की। 6 बीएसपी के पूरी पार्टी को जो अभी पिटीशन पेंडिंग है स्पीकर के यहाँ, 6 के 6 हाथी खा गए, तो क्या सत्संग करके लिए थे क्या उनको? हम पर आरोप लगाना बहुत आसान है। 2.5 साल तक सिर्फ आरोपों पर, या प्रधानमंत्री पे आरोप, या गृह मंत्री पे आरोप, या बीजेपी पर आरोप, अपने खुद की घर की कमजोरी। लेकिन ये बात मैं इस मंच पर जरूर कहूंगा कि जो उनकी नीति और नियत थी उसमें सफल हो गए, अपनी पार्टी के पीसीसी के चीफ को बाहर करने में सफल हो गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सफल हो गए, क्योंकि इससे पहले तक केवल इकलौते नेता थे, पहले सचिन पायलट थे जिन्होंने चुनौती दी, पर आज ये स्थिति पैदा हो गई। तो इसलिए मन से प्रसन्न होंगे, बीजेपी पर आरोप लगा के होंगे। बीजेपी कहीं है ही नहीं, उनका अपना झगड़ा, हमारा क्या लेने देना। पुनिया जी, ये सरकार कब तक चलेगी, क्या लग रहा है आपको? ये सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि ये लूली लंगड़ी सरकार थी। राजस्थान में एक जुगाड़ चलता है, उसमें कुछ इंजन फिट करते हैं, कुछ तख्ते फिट करते हैं। 99 सीटें थी इनकी पहले, 6 बीएसपी के लोग, बाकी इंडिपेंडेंट्स, इसलिए ये बहुमत खो चुके। अब समय कितना, मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं राजनीतिक के एक व्यक्ति की हैसियत से, इस सरकार में अब मोटे तौर पर तो ये वेंटिलेटर पर है। यदि बिजली चली गई तो शायद सरकार भी चली जाएगी। लेकिन ये बिजली आप क्या, ये बिजली की सप्लाई आप क्या सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों से लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी बिजली चमके, आपकी बत्ती चमके? नहीं, ये साबित नहीं कर पाएंगे। रूबिका जी, 123 वोट लिए इन्होंने राज्यसभा में, और ये कहा कि हम एकजुट हैं, हमारी मेजोरिटी, हमने 2 सीटें जिता ली, इन्होंने जश्न मनाया। 23 लोग तो सीधे सीधे माइनस कर दीजिए, 2 लोग बीटीपी के माइनस कर दीजिए, 1 सीपीआईएम का माइनस कर दीजिए, और कितने माइनस करेंगे, ये फिगर होता है 98 से भी नीचा, और मेजोरिटी के लिए चाहिए 100 वोट। तो ये तो सीधा सीधा गणित है, मेरी गणित कमजोर है फिर भी आपको समझा रहा हूं। इसलिए ये सरकार अल्पमत की सरकार, इसको जाना ही होगा। आपकी बातचीत हो रही है क्या बीजेपी की सचिन पायलट से, किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है पुनिया जी? हमें जरूरत नहीं है। आपने बातचीत नहीं की है, कोई संपर्क में नहीं है? हमारे कोई स्टेट की यूनिट के कोई संपर्क में नहीं है। मैंने जैसे कहा कि इनका अपना झगड़ा, इनकी अपनी लड़ाई, अवसर तो इन्होंने दिया, इन्होंने विश्वास खो दिया विधायक, अपने विधायकों का और जो सहयोगी विधायक थे उनका। राजस्थान की जनता के मन से तो कब के ही उतर गए थे। अच्छा, 3 महीनों में यदि ये सरकार मजबूत है, हाँ, तो बाड़े बंदी की नौबत क्यों आई फिर? सुरक्षित है, छोड़ दीजिए खुला सबको। पुनिया साहब, लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी की पर आरोप लगाते हुए, और खुद रणदीप सुरजेवाला भी आरोप लगा रहे हैं और अशोक गहलोत भी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में तो आपकी सरकार है, वहां पर उस मानेसर के होटल की जिम्मेदारी सिक्योरिटी के वहां के कमिश्नर को दी गई है, आप लोगों ने उनके विधायकों को बंधक बना रखा है, आरोप ये लग रहा है। रूबिका जी, कल एक घटना हुई, बीटीपी के विधायक जिन्होंने ये पत्र दिया कि हम तटस्थ रहेंगे, उसके बाद की घटना ध्यान है आपको, वीडियो देखा आपने? चाबी निकालने वाला, आपने वीडियो देखा, बीटीपी के विधायक को पुलिस वाले ने चाबी खोसी,
चार घंटे तक होटल में बंधक बनाए रखा और अभी भी उनको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। 124 ए का नोटिस आपको पता है, आईपीसी का 124 का नोटिस, आईपीसी 124A, ये राजद्रोह की धारा है जो गांधी जी पे अंग्रेजों ने लगाई थी। 1870 में अंग्रेजों ने इस कानून को लागू किया था। आज 2019 में इसी राहुल गांधी की पार्टी ने इस 124A को खत्म करने के लिए कहा था कि कन्हैया कुमार हार्दिक पटेल पर यह मुकदमा क्यों चलाया, उसी को अशोक गहलोत की सरकार किसी के टेलीफोन के कन्वर्सेशन के आधार पर राजद्रोह का नोटिस देती है और उस नोटिस को उप मुख्यमंत्री को भी देती है। तो पुनिया जी आप ये कह तो रहे हैं डरी हुई सरकार तो ये प्रपंच तो ये कर रही है आप हरियाणा, ठीक है, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार डरी हुई है, तो इस डरी हुई सरकार को आपका चैलेंज क्या होगा? फ्लोर टेस्ट का चैलेंज होगा? मैंने तो अंग्रेजों के मैंने पुरानी फिल्मों में डायलॉग सुना था, जो डर गया सो मर गया। ये फ्लोर टेस्ट कराए, राज्यपाल के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी नैतिक रूप से सरकार गिर चुकी है, इनको साबित करना चाहिए। यानी आप सिर्फ नैतिक बल की बात कर रहे हैं, आपके पास संख्या बल नहीं है पुनिया जी, आपके पास संख्या बल नहीं है। रूबिका जी मेरी गणित कमजोर है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि 123 की राज्यसभा की वोटिंग में 23 लोग तो माइनस कर दीजिए 100 हुए, बीटीपी के माइनस कर दीजिए 98 हुए, सीपीआई का एक माइनस कर दीजिए 97 हुए, मेजोरिटी के लिए 100 चाहिए तो 93 तो अभी भी कम दिखते हैं। और अंदर क्या होगा इनके भीतर, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, कितने घोड़े भागेंगे कोई कह ही नहीं सकता। तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हैं कि वो सरकार डरी हुई, तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा रहा है पुनिया जी बीजेपी की तरफ से? अभी हम पार्ट नहीं इस गेम के, पीड़ित लोग तो सचिन पायलट और उनके साथी सहयोगी हैं, वो इनिशिएट करेंगे या ये साबित करें, चिट्ठी लिख के दे दें। लेकिन अभी आपको ध्यान होगा, स्पीकर महोदय ने एक डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया बाकी लोगों को। सदन की कार्यसूची के अंदर जो चीजें होती हैं, हाउस के भीतर जो प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें व्हिप का उल्लंघन करने पर डिस्क्वालिफिकेशन का कारण होता है। इन्होंने एक रिसोर्ट में एमएलए की अनुपस्थिति को डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट बना लिया और उसमें स्पीकर को मोहरा बना लिया। तो ये अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से इस हद तक उतरी आए कि उन चुने हुए विधायकों को इन्होंने, अपने ही लोगों को, एक तरफ तो कहते हैं कि बेचारा है, सद्बुद्धि दे, अभी भी साथ आ जाए, दरवाजे खुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ 124A का नोटिस, दूसरी तरफ 191 का वो नोटिस जिसमें सीधे सीधे स्पीकर एम्पावर है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बिना कारण के, बिना किसी संवैधानिक प्रावधान के लिए, इसलिए उनको प्रूव करना चाहिए, हम क्यों करें। ठीक है, आप वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन आपका ये वेट एंड वॉच वसुंधरा राजे को पसंद नहीं आ रहा है, खबरें ये आ रही हैं, वही नहीं चाहती है कि सचिन पायलट अगर आना भी चाहे इनके, हालांकि मना कर दिया है, तो वो ना आए, आज बैठक में भी वो शामिल नहीं हुई है, बस क्लैरिफाई कर दीजिए चल क्या रहा है। देखिए ये सोशल मीडिया की गॉसिप थी, कोई बैठक थी नहीं, जो कन्वर्सेशन होता है वो टेलीफोनिक आराम से होता है, जिस दिन विधायक दल की बैठक होगी सारे विधायक आएंगे, हम चर्चा करेंगे। ठीक है पुनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे ये विशेष बातचीत करने के लिए। तो सतीश पुनिया ही कह रहे हैं कि हम